हेलो स्टूडेंट, आप सबको डिप्लोमा एकेडमी पटना के इस लाइव सीरीज में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठंडा काफ़ी बढ़ गई है पटना में, तो काफ़ी स्वस्थ रहिए और थोड़ा ठंडा से बच के रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, तो हम सबको एक लंबा सफ़र तय करना है, बहुत कुछ करना है, कुछ इतिहास बदलनी है, कुछ इतिहास लिखनी है, कुछ अपनी तकदीरें लिखनी है, घर की तस्वीर बदलनी है, बहुत कुछ करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस लाइव सेशन को एंजॉय करेंगे, जुड़े रहिए और थोड़ा सबसे पहले अंगूठा लगा दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद थोड़ा सा अगर हो सके तो अपने दोस्तों के पास जो डिप्लोमा कर लिए हैं इलेक्ट्रिकल से, उनके पास शेयर कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। मेजरमेंट का ही ये सीरीज है। चलिए तो देखो अभी क्या है कि ये एक्चुअली क्या लाइव सीरीज है। जेई बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जो बच्चे, तो मॉर्निंग में जेई बैच चलता है, वो मॉर्निंग में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जेई बैच में बहुत सारी चीजें निकल गई है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर लीजिए। आज से आपका 10 बजे रात से वो बैच आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। डिप्लोमा एकेडमी पटना का जो ऐप है, डिप्लोमा एकेडमी पटना नाम से ही है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 10 बजे रात से वो आज शो करना शुरू कर देगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम आप लोग देखो, बैच अवेलेबल जो है जेई बैच अभी ऑलरेडी रनिंग में है, बहुत कुछ निकल चुका है उसमें। कंट्रोल लगभग ख़त्म हो चुका है, आपका डीसी मशीन लगभग ख़त्म हो चुका है, बेसिक सारा ख़त्म हो चुका है, मेजरमेंट ख़त्म हो चुका है, तो अब खाली पावर सिस्टम बची है, एसी मशीन बचा है, यूटिलाइजेशन बचा है, और फिर आपका क्या नेटवर्क भी आपका ख़त्म हो चुका है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट और बचे हैं, तो इसलिए जेई बैच ज्वाइन करना मैं नहीं समझता हूँ कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अभी 5th सेम इलेक्ट्रिकल का बैच रनिंग में है, 3rd सेम इलेक्ट्रिकल का बैच रनिंग में है। जो बच्चे सेमेस्टर वाले देख रहे हैं उनको अगर लगे हमें ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द फेनोमेनन ऑफ क्रीपिंग अकर्स इन। क्रीपिंग क्या होता है? देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपके घर में एनर्जी मीटर है, आपके घर में एनर्जी मीटर है, पंखा बल्ब लाइट ट्यूब जितना सब बंद कर दिए, सब ऑफ है, लेकिन एनर्जी मीटर का डिस्क जो है फिर भी घूम रहा है, फिर भी घूम रहा है, धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रीपिंग बोलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी मीटर का जो संट मैग्नेट है, संट मैग्नेट, वो एनर्जाइज रहता है क्योंकि वो सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड होता है। सीरीज मैग्नेट में करंट नहीं है क्योंकि लोड है ही नहीं, तो संट मैग्नेट में तो फ्लक्स है ना। तो आपका क्या है, ये अकर किसके कारण होता है? तो ये अकर होता है ओवर वोल्टेज कॉम्पेंसेशन, ओवर कॉम्पेंसेशन ऑफ फ्रिक्शन, वोल्टेज, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, वाइब्रेशन, इन सब का ओवर कॉम्पेंसेट कर देने से आपका क्या है, नो लोड पर भी आपका क्या है, एनर्जी मीटर का डिस्क धीरे धीरे रोटेट करता है। और धीरे धीरे रोटेट करता है, मान लीजिए उसका एनर्जी मीटर कांस्टेंट 500 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर है। आप 6 महीना के लिए कहीं चल गए इंडिया से बाहर, तो आपका बताइए, धीरे धीरे रोटेट कर रहा है तो 6 महीना में 500 चक्कर लगाएगा, 500 चक्कर लगा लेगा तो वो 1 किलोवाट आवर उठा देगा। अब मान लीजिए 6 महीना में ऐसा 500 जो चक्कर है वो 50 बार मार चुका है, तो 50 यूनिट तो ऐसा ही उठ गया। आप कहिएगा अरे भाई हम पटना में रहे नहीं, हम घर में है नहीं, तो यूनिट कैसे ही उठ रहा है, तो ये एक तरह का एरर है। तो क्रीपिंग एरर बेसिकली किस में आकर होता है? अमीटर में नहीं, वोल्ट मीटर में नहीं, वाट मीटर नहीं, वाट आवर मीटर में, मतलब एनर्जी मीटर में आकर होता है। क्रीपिंग जो आकर होता है किस में? एनर्जी मीटर में आकर होता है। देखो एक बच्चे लिखे हैं, सर लगता है आप सर को
भी पीछे छोड़ देंगे। मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहता हूं। आज देखो बीएसएफ जो जेई का रिजल्ट आया है उसमें बहुत ज्यादा बच्चा, 7-8 बच्चे मैं कह रहा हूं कि डिप्लोमा एकेडमी पटना का लड़का बीएसएफ जेई में रिजल्ट निकाले हुए है। कहीं भी आपका रिजल्ट आता है उसमें मेरे कोचिंग के बच्चे अवश्य होते हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन काफी क्लियर होता है, उनका बेसिक काफी क्लियर होता है। तो मैं समझता हूं कि आप भी अपनी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर रखेंगे तो आपका भी रिजल्ट होगा। रिजल्ट के जो रिजल्ट आता है विद्यार्थियों का, उसमें टीचर का योगदान नहीं होता है, विद्यार्थी अपने काबिलियत और मेहनत से रिजल्ट लाते हैं। जो बच्चा सक्सेस है, अगर मैं उसका मैं क्रेडिट ले रहा हूं, तो जो फेलियर है उसका भी क्रेडिट हमें लेना चाहिए। इसलिए विद्यार्थी की सफलता पर अपनी क्रेडिट मैं नहीं लेता हूं, विद्यार्थी को ही मैं देता हूं। जो असफल है, आज भी मिलता है तो उसको कहता हूं कभी मिलो पटना में, आओ कभी कोचिंग। अभी देखो परसों ही 20 पास आउट 21 पास आउट का एक छोटा सा नॉर्मल मीटिंग रखे हुए थे, उसके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप हम मैंने क्रिएट किया। अब उन बच्चों को गाइड करना है कि नहीं, आपको सफल होना है, आपको मेहनत करना है, आपको आगे जाना है। अब क्यों आप 1 साल से बैठे हैं, क्यों 2 साल से बैठे हैं, आखिर क्या वजह है, आखिर आपके तैयारी में कहाँ कमी है, कहाँ पीछे रह गए कि अभी तक रिजल्ट कहीं नहीं हुआ है। तो कुछ बातचीत करते हैं, हमें अच्छा लगता है ऐसा करना, हमें अपने विद्यार्थियों से जुड़ना काफी अच्छा लगता है, उन्हें मोटिवेट करना काफी अच्छा, मोटिवेट करने में हमें काफी सुकून होता है, अच्छा मतलब काफी अच्छा फील करते हैं, इसलिए मैं सब करता रहता हूं। आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग के भी साथ मैं रहूंगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। द रेशियो एरर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू, देखो बेसिकली रेशियो एरर जो होता है ना करंट ट्रांसफार्मर में, वो बेसिकली एक्साइटिंग करंट के कारण होता है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करती है ना ट्रांसफार्मर, उसके कारण अकर होता है। मतलब आपका करंट ट्रांसफार्मर में जो रेशियो एरर अकर होता है वो आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट के कारण होता है, जिसको आप एक्साइटिंग करंट भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओहो करेक्ट आंसर आपका कौन हो जाएगा, बी। ये एक्साइटिंग करंट के कारण आपका रेशियो एरर अकर होता है, किसके कारण, करंट ट्रांसफार्मर वगैरह का मैं थ्योरी और फेजर डायग्राम भी बता दूंगा, थोड़ा सा समय रखिए, अभी एग्जाम है इसलिए मैं थ्योरी डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि लंबा समय हो जाता है, रात हो जाता है, हमको घर जाने में लेट हो जाता है। एक्साइटिंग करंट के कारण होता है, किसके कारण, हाँ एक्साइटिंग करंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा द ईएमएफ ऑफ ए बेस्टन स्टैंडर्ड सेल कैन बी मेजर्ड बाय, देखो बेस्टन स्टैंडर्ड सेल का जो वोल्टेज होता है वो काफी लो वोल्टेज होता है, 1. समथिंग होता है, समझे। तो ये जो वोल्टेज एक्यूरेटली जो हम मेजर करते हैं, वो पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल। गैल्वेनोमीटर से हम स्मॉल करंट डिटेक्ट करते हैं, किससे, स्मॉल करंट। हॉट वायर वोल्टमीटर से बेसिकली आपका क्या है, हम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक्यूरेटली हाई फ्रीक्वेंसी वाले एसी वोल्टेज और करंट हम बेसिकली इससे मेजर करते हैं। वोल्टमीटर है तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो वोल्टेज है उसको हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं हॉट वायर से, हॉट वायर और थर्मोकपल से। इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप वोल्टमीटर, बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप वोल्टमीटर नहीं, इसको बेसिकली इसका यूज वाटमीटर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका एक्यूरेसी जो होता है और सेंसिटिविटी जो होता है वो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से भी कम होता है। तो क्या ये स्मॉल वोल्टेज थोड़े बढ़िया मेजर कर पाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका कौन है, पोटेंशियोमीटर। इसी से हम क्या करते हैं, एक्यूरेटली मेजर करते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग क्लास जेई बैच का रिकॉर्डिंग क्लास है, डिप्लोमा एकेडमी पटना का ऐप पर जाइए, स्पेशल 60 करके जेई बैच लिखल होगा, स्पेशल 60, देखो क्या लिखा होगा, स्पेशल 60 करके जेई बैच लिखा होगा, 5,000 रुपया फी होगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वहां रिकॉर्डिंग है वीडियो, आप जाकर के देख सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग वीडियो है, जाकर के आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल 60 करके बैच है।
टेलीग्राम ग्रुप में, अभी डिप्लोमा एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, आपको नोट्स भी मिल जाएगा धीरे धीरे। चलो आ जाओ, कह रहा है परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट आर जनरली मेड ऑफ, ध्यान से देखना, परमानेंट मैग्नेट बेसिकली उस मटेरियल के लिए बना, उस मटेरियल से बनाया जाता है जिसका हिस्टेरिसिस लूप ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होता है, जिसका रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी काफी हाई होता है। मतलब आपका क्या है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम बेसिकली उस मटेरियल का यूज करते हैं जिसका हिस्टेरिसिस लूप ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होता है। तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर जो हिस्टेरिसिस लूप है वो बेसिकली एल्निको का होता है। किसका होता है? एल्निको का होता है। हाँ, एल्निको का होता है। तो जो परमानेंट मैग्नेट हम इंस्ट्रूमेंट में जो यूज करते हैं वो एल्निको का बना होता है। क्या बना होता है? एल्निको का बना होता है। और उस मटेरियल का परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है जिसका हिस्टेरिसिस लूप ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होता है, या यूं कह ले रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी काफी हाई होती है, रिटेंटिविटी हाई होता है। मतलब उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए लार्ज कोहेसिव फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा। क्या? लार्ज कोहेसिव फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा, समझे? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? एल्निको हो जाएगा। चलो छठा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस इज सॉन बाय नीडल इन द इन ए मेगर नॉट इन ऑपरेशन। हाँ, ये मैं बताओ, ये मैं देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जब आपका मेगर ऑपरेशन में नहीं रहता है, मेगर ऑपरेशन में नहीं रहता है, तो देखो मेगर का जो आपका क्या है, मेगर का जो स्केल है, एक जगह इन्फिनिटी मार्क रहता है, एक जगह जीरो मार्क रहता है। अगर मान लीजिए ये मेगर है, सपोज डेट ए मेगर है, इसका दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल है, ये नीडिल है, एक तरफ इन्फिनिटी है, एक जीरो है, और ये मान लो रेजिस्टेंस है, या मान लो केबल है। क्या है? केबल। ये लगा दिए यहाँ, ये लगा दिए यहाँ, और इसमें हैंड रिवेन जनरेटर होता है। क्या होता है? इसमें हैंड रिवेन जनरेटर होता है, इसको घुमाते हैं, इसको हम घुमाते हैं। अगर केबल फॉल्टी होगा, केबल क्या होगा? फॉल्टी होगा, उसका इंसुलेशन ब्रेक कर गया होगा, उसका इंसुलेशन फेल कर गया होगा, तब जो है नीडिल जो है ऑलमोस्ट जीरो के पास चला जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो के पास। लेकिन अगर केबल सही है तो नीडिल ऑलमोस्ट इंफिनिटी के आसपास रहेगा, ऑलमोस्ट इंफिनिटी के पास। लेकिन कह रहा है कि मेगरवा जो है ऑपरेशन में नहीं रहता है, माने ऑपरेशन में है ही नहीं, मतलब उसको सर्किट में आपने कनेक्टे नहीं किया है, तब नीडिलवा केजा पर ही रहता है, तब भी नीडिलवा एजी पर ही रहता है। हाँ, एजी पर ही रहता है। कहां पर रहता है? एजी पर ही, इंफिनिटी के पास आसपास रहता, इंफिनिटी के पास ही रहता है। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, छठा का डी। बताओ क्लियर है? कौन रोक सकता है तुम्हें पीजीसीएल का जेई बनने से? कोई नहीं रख सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारे अंदर वो सारा क्षमता है, तुम हनुमान जी हो, तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। याद करो तुम अपनी पोटेंशियल को। क्या कुछ है बड़ा एग्जाम, 170 को क्वेश्चन पूछता है, 140 को नंबर लाना है, कोनो बड़ा बात है रे भाई। अरे 12-13 घंटा पढ़ो ना, दुए महीना तो पढ़ना है, कुछ है तब। अभी एकदम बढ़िया से हेल्दी खिचड़ी बनाओ, दाल भात चोखा बनाओ, रगड़ो। चलो सातवां क्वेश्चन, वोल्टमीटर हैज द लीस्ट पावर कंजम्पशन। मैं बार बार कहता हूं कि देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है अपने ऑपरेशन के लिए सप्लाई से काफी कम करंट ड्रॉ करता है, कम करंट ड्रॉ करता है, मतलब नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करता है। तो सबसे लीस्ट पावर कंजम्पशन जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप में होता है। किसमें होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप में। सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो आ जाओ आठवां में आ जाओ, कह रहा है मूविंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर सपोर्टेड इन। हाँ देखो, मूविंग पार्ट जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस पर सपोर्टेड होता है? बॉल बियरिंग पर नहीं होता है, बुश पर भी नहीं होता है, रोलर पिन भी नहीं होता है, जवेल्ड बियरिंग पर होता है। किस पर? और ये किसका बना होता है? सैफायर का बना होता है। किसका बना होता है? सैफायर। इसका मतलब होता है नीलम पत्थर।
किसका बना होता है, क्या होता है, नीलम पत्थर। ये काफी चिकना होता है, काफी चिकना होता है, इस प्रकार का नुकीला बना होता है, नुकीला बना होता है जो सैफायर का बना होता है, इसी पर आपका क्या होता है, घूमता है। तो आपका जो मूविंग पार्ट है, मूविंग पार्ट कहने का मतलब स्पिंडल, मूविंग पार्ट कहने का मतलब स्पिंडल। ये जो स्पिंडल होता है ना, ये जो स्पिंडल, वो जेवेल्ड बियरिंग पर सपोर्टेड होता है, जेवेल्ड बियरिंग पर। इसको पाइवोट बोला जाता है, पाइवोट सपोर्ट, इस तरह के सपोर्ट को पाइवोट सपोर्ट। और यहाँ जो देख रहे हो ना, ये जेवेल्ड बियरिंग है जो सैफायर का बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नौमा, ए पावर फैक्टर मीटर हैज, देखो पावर फैक्टर मीटर में आपका क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर में दो क्वाइल होते हैं, पावर फैक्टर मीटर दो क्वाइल, एक सो होता है फिक्स्ड क्वाइल और एक इसमें होता है एक मूविंग क्वाइल। तो मूविंग क्वाइल दो पार्ट में स्प्लिट होता है, मूविंग क्वाइल दो पार्ट में स्टीव, ये जो फिक्स्ड क्वाइल वाला है ये बेसिकली लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है, लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है। लेकिन जो मूविंग क्वाइल होता है ना, मूविंग क्वाइल भी दो पार्ट में स्प्लिटेड होता है। फिक्स क्वाइल तो दो पार्ट में है स्प्लिटेड, लेकिन पावर फैक्टर मीटर का मूविंग क्वाइल भी दो पार्ट में स्प्लिटेड होता है। दोनों पार्ट अगर सिंगल फेज है, अगर सिंगल फेज है तो 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है। दोनों में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है, और जहां दोनों में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाता है वहां पॉइंटरवा रुक जाता है। इसका मतलब है एकरा में कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं होता है, माने पावर फैक्टर मीटर में कोई कंट्रोल हम यूज ही नहीं करते हैं, मेगर में भी कोई कंट्रोल यूज नहीं होता है, मेगर में भी इसी तरह का होता है मूविंग क्वाइल, और वहां परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ जो है फिक्स्ड क्वाइल यूज करते हैं फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, समझे। हाँ, जो एयर कोर होता है, क्या होता है, एयर कोर होता है। लेकिन मूविंग क्वाइल भी दो पार्ट में स्प्लिटेड होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और पॉइंटर वहां स्टेशनरी होता है जहां दोनों का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ कोई कंट्रोल यूज नहीं करते, पावर फैक्टर मीटर हैज नो कंट्रोल स्प्रिंग। चलो चार नंबर क्वेश्चन छूट गया है, चार नंबर क्वेश्चन छूट गया। अच्छा रुको, तो अच्छा देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन छूट गया है। कह रहा था टेम्परेचर ऑफ ए फर्नेस कैन बी मेजर्ड बाय, अरे भाई देखो इसको देखो इधर, पहले टेम्परेचर जो है फर्नेस का जो हम ऑप्टिकल पायरोमीटर से मेजर करते हैं, याद कर लो, ऑप्टिकल पायरोमीटर से इसका मेजर किया जाता है। किससे, ऑप्टिकल पायरोमीटर से मेजर करते हैं फर्नेस का टेम्परेचर, जो फर्नेस होता है उसका टेम्परेचर हम ऑप्टिकल पायरोमीटर से मेजर करते हैं। चौथा कितना नंबर तक हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टमीटर है लीस्ट मूविंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पावर फैक्टर मीटर, दसवां। करा चेंजेज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इसेक्ट्रा काउच सिस्टमेटिक एरर कमुलेटिव एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर एनवायरमेंटल एरर। देखो ये जो एरर है, ये एरर इसी का टाइप है, ये एरर इसी का टाइप है, माने सिस्टमेटिक एरर जो है एनवायरमेंटल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है सिस्टमेटिक एरर का ही टाइप है। लेकिन कह रहा है चेंजेज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो स्वाभाविक है ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। जब ये एनवायरमेंटल फैक्टर है तो कौन सा एरर हो जाएगा, एनवायरमेंटल एरर हो जाएगा। एकरा में कौन रॉकेट साइंस है बताओ, एकरा में कौन रॉकेट साइंस है। अरे भाई ये एनवायरमेंटल फैक्टर दिख रहा है तो ये ना होगा जी। हाँ ये इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है कि एजिंग इफेक्ट के कारण होता है। करेक्ट रे आप इनकरेक्ट रेंज चूज कर लियो हो, गलत रेंज सेलेक्ट कर लियो हो, तो उसके कारण जो एरर जनरेट होता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। चलो 11, इन एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, स्वाभाविक है देखो हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करंट का हम वेरियस इफेक्ट यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट,
इंडक्शन इफेक्ट, ये सब इफेक्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। डिफ्लेक्शन माने मूवमेंट, और मूवमेंट का मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। जहां मूवमेंट, रोटेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वर्ड देखने को मिले, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी क्या, और पॉइंटर में डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है वो किसके कारण, करंट या वोल्टेज के वेरियस इफेक्ट के कारण। इसका मतलब है स्वाभाविक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा, मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आया? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो बताओ, अरे जल्दी तुम लोग 50 पूरा भाई, कितना तुम लोग कमजोर आदमी है जो पहले बताओ, 32-33 गो पर लटका हुआ है, 50 पुराओ। तुम लोग अपनी क्षमता को बढ़ाओ, ये नहीं कि फिर घटा देना, 32 से कर देना 22, फिर आ गया ना 12, फिर आ जाना 2, फिर सेवा समाप्त। चलो एक बढ़ा है, कोई बात नहीं, बढ़ा तो हाँ कह रहा है मेगर इज यूज टू मेजर। मेगर हम किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, मेगर इज यूज टू मेजर। तो मेगर का यूज जो है हम बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्या, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ इंसुलेशन नहीं, वोल्टेज मेजर, ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजर करने के लिए नहीं करते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस अर्थ टेस्टर से मेजर करते हैं, तीन से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, किससे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं मेगर से। और मेगर में भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसमें आरपीएम 160 आरपीएम रखा जाता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 के आसपास रखा जाता है। समझ में आया? चलो कंट्रोल स्प्रिंग आर मेड ऑफ, देखो बॉस ये रटा हुआ क्वेश्चन है, एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं, कंट्रोल स्प्रिंग ये फ्लैट होता है, क्या होता है, फ्लैट, रिबन शेप, रिबन शेप होता है, मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। देखो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा बटा आई, तो देखो थीटा बटा आई को करंट सेंसिटिविटी बोला था, और इसको जी बाई के होता है, क्या होता है, जी बाई के। तो करंट सेंसिटिविटी हाई होने के लिए आपका जी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, और जी का वैल्यू होता है बी एन ए, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये कम होना चाहिए। तो इसको कम करने के लिए क्या है, फ्लैट शेप का स्प्रिंग यूज करते हैं, रिबन शेप का होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम क्या रखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम रेक्टेंगुलर यूज करते हैं, सर्कुलर नहीं यूज करते, यही कारण है के का वैल्यू कम रखने के लिए, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो कंट्रोल स्प्रिंग जो है बना किसका होता है, फॉस्फर ब्रांच का बना होता है, किसका बना होता है, फॉस्फर ब्रांच का बना होता है। चलो 14, टॉर्क वेट रेशियो विल बी लिस्ट इन, हाँ टॉर्क वेट रेशियो सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा इन तीनों में, देखो यहाँ तीन दिया हुआ है, सबसे ज्यादा इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है, सबसे कम इसमें होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मूविंग आयरन, क्योंकि इसमें स्पिंडल पर आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है, मूवेबल आयरन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण टॉर्क वेट रेशियो रिड्यूस कर जाता है। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का बी, ओ 14 का बी, एक मिनट एक मिनट, रुक जा थोड़ा सा यहाँ रुक जाना। एसेंडिंग ऑर्डर मूविंग कॉइल, एमएमडी, ओ सॉरी हाँ देखो एमएमडी, देखो एमएमडी के अनुसार, एमएमडी याद रखा है, टॉर्क वेट रेशियो का एक हम लोग ट्रिक याद रखे थे, एमएमडी, एमएमडी माने मूविंग कॉइल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, मूविंग आयरन होता है, उसके बाद डायनामोमीटर होता है, गड़बड़ा गया, पहला क्या होता है मूविंग कॉइल, सबसे ज्यादा मूविंग कॉइल का टॉर्क वेट रेशियो ज्यादा, उसके बाद एमआई का होता है,
उसके बाद डायनामोमीटर का होता है। तेकराम करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एमएमडी याद रख लीजिएगा, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, एमएमडी, एमएमडी होता है, एमएमडी। टॉर्क बेट रेशियो का अगर ट्रिक याद रखना है तो एमएमडी याद रख लेना, एमएमडी माने मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, समझ में आया? तो आपका ए हो जाएगा। 15, मेगर इज ऑपरेटेड बाई, देखो मेगर को ऑपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेगर को ऑपरेट करने के लिए हम हैंड ड्रिवन इंटरनल जनरेटर यूज होता है। अभी हम बताए भी थे कि जैसे मेगर है ना, इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज माने नेसेसरी ऑपरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए इसमें हैंड ड्रिवन जनरेटर लगा होता है। कौन होता है? हैंड ड्रिवन जनरेटर। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस लाइव सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पर।